हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक हाई लेवल डीआई डिस्कस करेंगे। लेवल ठीक है, बार ग्राफ वैसे एक डीआई है, कुछ उसमें क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल भी हैं, तो अच्छा लगेगा आपको सेशन। और सेशन प्रिपेयर किया गया आईबीपीएस क्लर्क मेंस को लेके, और ये इसका डे 10 है। क्वांट और रीजनिंग के रेगुलर वीडियोज इसके अपलोड हो रहे हैं, और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो जो पहले डिमांड आ रही थी बच्चों की कि प्लेलिस्ट सेपरेट बनाइए, सेपरेट है प्लेलिस्ट। और साथ ही LIC असिस्टेंट मेन के लिए भी रेगुलर वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और LIC असिस्टेंट मेन की भी सेपरेट प्लेलिस्ट, तो चैनल पे जाके आप उनको भी देख सकते हैं। सेशन को आगे बढ़ाएं, उससे पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आपको अच्छा लगे उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए क्या है, इन फॉलोइंग बार ग्राफ परसेंटेज ऑफ क्वारी रिजोल्व बाई 3% वर्किंग इन ए कॉल सेंटर। किसी कॉल सेंटर में ABC 3% हैं जो काम कर रहे हैं, और वो जितने परसेंट क्वारी रिजोल्व कर लेते हैं, 2 महीने की दी है, ये जनवरी है एंड दिस वन इज फरवरी। भी जैसे एक आपने देखे तो मान लो जनवरी में 100 कॉल्स रिसीव्ड हुए, तो 100 में से 75 कॉल रिजोल्व हो गए और 25 बैलेंस बचे जो रिजोल्व उनसे नहीं हो पाए। और 80% ये किसका, मान लो फरवरी में टोटल कॉल आपके 200 आए, तो उसका 80% 160 रिजोल्व हो गए और 40 कॉल नॉट रिजोल्व में रह गए। तो इसमें मेन चीज आप ये देखिए कि 100% ऑफ ईच इज डिफरेंट, राइट। चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चंस पे चलते हैं, उनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ क्वारी रिजोल्व बाय ए एंड सी इन फरवरी कलेक्टिवली है इन दोनों का 2720। ए एंड सी, ए और सी की जो रिजोल्व क्वारीज हैं, और किस में, फरवरी में। तो आप देखिए ए और सी की नंबर ऑफ रिजोल्व क्वारी ए एंड सी इन फरवरी 720। तो मान लो फरवरी में मैं ये मान लेता हूं कि इसकी टोटल जो कॉल्स थी वो एक्स थी, और इसकी टोटल कॉल्स थी वो वाई थी, राइट। तो क्या दिया है, 80% को 80/100 में लिख सकता हूं, 80% ऑफ एक्स प्लस 80% ऑफ वाई इज इक्वल टू 720, राइट। तो अगर आप 80/100 को अगर मैं करूं 4/5 आ गए, तो 4/5 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, ये आपका आ गया 180, 18 × 72 और 18 × 90। तो x प्लस वाई ले जो टोटल कॉल रिसीव्ड हुए हैं वो फरवरी में ए और सी के कलेक्टिवली 900। What could be maximum number of calls that were not resolved by A on February? तो not resolved, तो A के फरवरी में अगर मैं देखूं तो भी total calls थे इनके collectively देखेंगे तो 900 और 720 है जो resolved हो गए, right? Calls that were not resolved by A on February. तो A plus C के not resolved, A plus C नोट रिजोल्ड, ये कितने हो गए, 900 माइनस 720 इज इक्वल टू 180 कॉल्स ऐसे रहे जो रिजोल्व नहीं हो पाए, राइट। तो वर नोट रिजोल्ड बाई ए, तो ए के मैक्सिमम कॉल कितने हो सकते हैं, दोनों के मिलके 180। तो अगर दोनों के मिलके 180 हैं, तो अगर दोनों के मिलके 180 हैं ए मैक्सिमम कब होगा, जब सी मिनिमम होगा, सी जब मिनिमम होगा तो ए मैक्सिमम होगा। तो सी क्या हो सकता है, जीरो तो हो नहीं सकता, भी आपने परसेंटेज निकाली। अब सॉरी, नोट रिजोल्ड मिनिमम, नोट रिजोल्ड जो है वो है 20%, तो कम से कम कितने हो सकते हैं, 5 से कम नहीं हो सकते, कम से कम 5 है जिनका 25% 1 हो जाएगा। भाई 5 से कम में तो फिर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया तो कॉल फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, भैया तो एक कॉल रिजोल्व हुआ या नहीं हुआ, लिस्ट संख्या रिजोल्व कॉल की क्या होगी,
वन हो सकती, क्योंकि 20% 5 से कम का नहीं हो सकता, राइट लाइक राइट। नोट रिजल्ट कितने हैं? 20%। तो आप इसे क्या ले सकते हैं अपने कि ए और सी में सी की वैल्यू क्या आ सकती है, मतलब टोटल कॉल्स की वैल्यू जो है वो मैं वाई की वैल्यू में मिनिमम कितनी ले सकता हूं? 5 ले सकता हूं। क्यों? 5 का 20% मैं निकालूंगा, एक निकल गया, 80% निकल गया, 4। तो जब वाई की वैल्यू 5 है तो ए प्लस सी का जो नोट रिजल्ट है वो कितना हुआ? 20%। तो 5 का 20% 1, तो ए की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 180-1 179। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ क्वेरी रिजोल्व बाय बी इन जनवरी इज 540। नंबर ऑफ क्वेरी रिजोल्व बाय बी इन जनवरी, बी ने जनवरी में जो क्वेरी रिजोल्व किए वो 540 है। रिजोल्व कितनी की इन जनवरी में? 60%। तो 60% की वैल्यू आपको दे दी 540। तो अगर मैं इसमें 100% की निकालूं तो टोटल कॉल कितने आए होंगे? आई थिंक 60/100 करके करोगे तो 900 होगी। भी 6 × 60% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू 9 आ गई ना आपकी, 1% इज इक्वल टू 9, तो 100% 900। तो टोटल कॉल अगर मैं यहां लिख लूं टोटल कॉल, तो सी के टोटल कॉल कितने हो गए? 900। एंड कॉल रिसीव्ड बाय हिम इन जनवरी, तो कॉल रिसीव्ड बाय हिम इन जनवरी ये तो 900 हो गए। इज 25% 900 इज 25% मोर देन क्वारी रिजल्ट बाय ए इन जनवरी। तो यहां अगर मैं टोटल कॉल इसके एक्स मान लूं तो रिजल्ट कितने हो गए? एक्स इंटू 3/4, और इससे 25% ज्यादा है। आपको क्या दिया है? By him in January, received by him in January is 25% more than query result. Query result ये आई और उसका 25% ज्यादा, तो कितना हो गया? 125% of this one, 125/100। Find the number of call received by B in January. तो ये आपने इसकी value क्या मानी है? X मानी है और इसी की value आपको find करनी है। तो ये जितनी जल्दी कर पाए, अगर 25 से मैं काटूं 25 × 125 और ये 4 हो गया, 3 से काटूं तो ये आ गया आपका 300, और 5 से फिर काट दूं तो ये आ गया 60, 4 × 16 = 96 में x की वैल्यू 960, 967 इज योर राइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको थोड़ा सा पेशेंस रख के करना पड़ेगा, कूल रह के। If 20% call increase from January to February for B and C, January to February for B to C, right? क्या दिया है? January to February, जैसे मैंने ये मान लिया, ये January है और ये February है, ये total calls, ये result calls, और नहीं ये B और C मान लिया मैंने, ये आप पे B मान लो इसको, ये C मान लो, total calls, result calls, ये तो आ गया आपका जनवरी का, और फरवरी के ये आ गए आपके टोटल कॉल्स और रिजल्ट कॉल्स। तो रिजल्ट कॉल्स कितने हैं आपके? रिजल्ट कॉल्स हैं 60 और 60%, 90%, 50% एंड 80%। मैं थोड़ा आपको इसलिए पेशेंस से समझा रहा हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए क्वेश्चन, ठीक है? आपको एग्जाम में तो जल्दी करना है। अब इसमें दिया क्या है? इफ 20% कॉल इंक्रीज फ्रॉम जनवरी टू फरवरी फॉर बी एंड सी, बी की मान लो यहाँ एक्स थी तो यहाँ 20% से बढ़ के 1.2x होगी, और यहाँ अगर ये वाई थी तो ये 1.2y होगी। एक तो ये चीज दी हुई है। एंड एवरेज नंबर ऑफ क्वारी रिजोल्व बाई देम इन फरवरी, फरवरी में उन्होंने जो क्वारी रिजोल्व की है, रिजोल्व कितनी की है? 1.2 का 50% तो 0.6x, और इसका 1.2y का 80% तो 12/96 प्लस 0.96y। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटा दो, एवरेज नंबर ऑफ क्वारी रिजोल्व बाई देम इन फरवरी इज 30 मोर देन दैट ऑफ जनवरी।
30 मोर किससे, जितनी उन्होंने जनवरी में क्वारी की है, रिजोल्व जनवरी में कितनी की है 0.6x, रिजोल्व बाय देम इन फरवरी, यहां एंड एवरेज नंबर ऑफ क्वारी रिजोल्व बाय देम इन फरवरी 30 मोर देन दैट ऑफ जनवरी, जनवरी में एवरेज नहीं लिया है, एवरेज सिर्फ है इसी में लिया है, तो 30 प्लस 0.6x और ये दूसरा कितना आ गया, यहां कितना किया y का 0.9y दैट ऑफ जनवरी प्लस 0.9y, एक सेकंड ये एवरेज का दोबारा पढ़ लो, एंड एवरेज नंबर ऑफ क्वारी रिजोल्व बाय हिम इन फरवरी इज 30 मोर देन दैट ऑफ जनवरी, एवरेज इसका मतलब दोनों का ही एवरेज हुआ एक तरह से, देन टू राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस अगर मैं करूं तो 0.6x प्लस 0.96y माइनस 0.6x और माइनस 0.9y और बटा 2 इज इक्वल टू 30 या इसके इक्वल ये 60 हो गया, तो 0.6x और 0.6x तो कैंसिल आउट हो गया, 96 में से 9 गए तो 0.06y 0.06y इज इक्वल टू आई थिंक 60 आ गया आपका, दोनों तरफ 100 से गुणा कर लो तो ये आपका 6 हो गया और ये आपका 10 बार हो गया, तो y की वैल्यू आपकी आई थिंक 1000 आ गई राइट। अब फाइंड सॉरी फाइंड ए कॉल रिसीव्ड बाय c इन फरवरी इज हाउ मच देन दैट ऑफ रिसीव्ड इन जनवरी बाय, तो फरवरी में कॉल रिसीव्ड कितने हैं C के 1.2y और जनवरी में कितने हैं y, तो ये 1.2y माइनस y ये आपसे पूछा है, तो ये कितना हो गया 1.2 को 1000 से करोगे 1200 माइनस 1000 200 आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉल रिसीव्ड बाय ABC इन फरवरी, कॉल रिसीव्ड बाय ABC इन द फरवरी इफ द नंबर ऑफ क्वारी रिजॉल्व्ड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 3:4:2, क्वारी रिजोल्ड मैं ये मान लेता हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉल रिसीव्ड भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया इन फरवरी, तो ए बी सी है, ये फरवरी है और ये कॉल रिसीव्ड है और कॉल रिसीव्ड है ये और ये रिजोल्ड है, तो रिजोल्ड कितने हैं फरवरी में 80% 50% 80% 50% 80% राइट, यही है इसमें रिजल्ट। अब मैं ये मान लेता हूं कि इसमें एक्स वाई और जेड टोटल कॉल रिसीव किया आपने एक्स वाई जेड, अब वो कह रहे हैं कि बाय देम इफ द नंबर ऑफ क्वारी रिजोल्ट बाय देम इज इन द रेशियो 3:4:2, आपको इसकी वैल्यू क्या दे दी 3 के, इसकी वैल्यू दे दी 4 के और इसकी वैल्यू दे दी 2 के राइट, यही दिया है, बिकॉल जो रिजोल्ड है वो इस रेशियो में है, तो मैं इनको 3 के 4 के और 2 के ले सकता हूं, और 3 के क्या है 80% ऑफ एक्स है और आपको रेशियो कॉल रिसीव्ड एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड यही आपको फाइंड करना है, तो ये क्या है देखिए 3 के 80% की वैल्यू 3 के है, उसी का आपको 100% निकालना है, तो एक तरह से आप क्या कर सकते हो इसको 3 के को अगर 5/4 कर दोगे तो आ गया 3 के 5/4 इनटू 3 के, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, यहां 50% है तो इसको डबल कर लो 8 के और Z जो है वहां फिर वही 5/4 करके 2 के कर लो, यही आपका, तो K तो आपकी कैंसिल आउट होगी और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मान लो यहां भी 4 से कर दिया, यहां भी 4 से कर दिया और यहां भी 4 से कर दिया, तो ये तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया 5 × 3 = 15 रेशियो 32:10 ये आपका 15:32 और 10 ये जो आपसे पूछा गया है वो रेशियो आप राइट। इसमें आई थिंक आप समझ गए होंगे भाई, ये आपको रिजल्ट कॉल आ गए 3 की और 3 के क्या है 80% की वैल्यू है 3 की, किसकी जिसके 100x है,
80% रिजल्ट जब आप कर रहे हो तो एक्स को आप उस वक्त 100% ले रहे हो, तो उसी का तो 80% है। तो जब 80% की वैल्यू 3 के है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाए, 100/80% तो 100/80 5/4 वही मैंने किया। क्वेरी रिजोल्व बाय सी इन जनवरी इज 60% ऑफ दी सी की। सी देखिए, सी में क्या है, ये जनवरी हो गया और ये हो गया फरवरी, और ये रिजोल्व क्वेरी जो है ये कितनी है, जनवरी और फरवरी में 90% और 80%, राइट। अब देखिए क्या दी, क्वेरी रिजोल्व और एक ए का भी, ए इन फरवरी, ए और सी दो को ही ले रहा है, तो ए का भी लिख लेते हैं अपने, ये जनवरी में 75 है और इसमें 80% रिजोल्ट। क्वारी रिजोल्ट बाई सी इन जनवरी, यहां क्वारी रिजोल्ट बाई हिम इन फरवरी, 60% ऑफ द क्वारी रिजोल्ट ऑफ द, तो आप इसको या तो ये कर लीजिए, इसको मैं ले लो, मान लो जनवरी में टोटल कॉल्स ये x ले लूं और ये टोटल कॉल्स y ले लूं, यहां z ले लूं और ये कोई k ले लूं, एक बार लेके देखते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आता है। क्वेरी रिजल्ट बाई c इन जनवरी, जनवरी में कितनी रिजल्ट की, 0.9x, 90% ऑफ x इज 60% ऑफ द, 60 किसका, 60% ऑफ द क्वेरी रिजल्ट बाई हिम इन फरवरी, जो फरवरी में उसने क्वेरी रिजल्ट की, तो उसमें की 0.8y, राइट। एक तो ये आपकी एक x और y की फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन बनी, इसको आप आगे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, तो इसको आगे करेंगे तो 0.48, 0.9x इज इक्वल टू 0.48y, ये आपके आगे, या इसको आगे भी करोगे आप तो x/y, x और y का रेशियो आ जाएगा आपका 48/90, अगर कितने से 12 तो से तो कटेगा, 6 से तो कट ही जाएगा, 6 48 और 6 15, 8:15 आपकी x और y की ये आ गई, आई थिंक ठीक होगी। अब आगे चलिए, आगे अगर आप देखें तो इसमें क्या दिया है, क्वारी रिजोल्ट बाई ए इन फरवरी, क्वारी रिजोल्ट बाई ए इन फरवरी 80% ऑफ ए के, 0.8 के रिजल्ट इन फरवरी इज इक्वल टू द सम ऑफ क्वारी रिजोल्ट बाई सी इन बोथ, सी इन बोथ, तो सी यहां तो कितना कर रहा है, 0.9x कर रहा है और यहां कर रहा है 0.8y, यही हुआ बोथ मंथ्स। कॉल रिसीव्ड बाय ए इन फरवरी, कॉल रिसीव्ड बाय ए इन फरवरी, फरवरी में वही है, फरवरी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सी इन जनवरी, ए इन फरवरी, ए इन फरवरी, सॉरी ए इन फरवरी अपन ने के लिया, ए इन फरवरी इज कितना है इसे मोर देन सी इन जनवरी, सी का जनवरी का एक्स है, सी इन जनवरी के माइनस एक्स अपॉन एक्स और गुणा से, तो के और एक्स का कोई अपने को रिलेशन चाहिए कुल मिला के, तो एक्स तो यहां से निकल गया और 0.9x 0.8y, तो यहां से एक्स और के, अगर मैं वाई को यहां से एलिमिनेट कर दूं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां x इज इक्वल टू मैं ले लूं 8 के और y इज इक्वल टू ले लूं 15 के, राइट। तो x यहां से अगर मैं 8 के रख दूं x की जगह, तो x k ये अलग है, तो इस k की वैल्यू फिर मैं q ले लेता हूं, चलो क्यों इससे कंफ्यूजन होगा, k q माइनस x, तो 0.8 के और 15 के, तो x की वैल्यू अगर मैं 8 के रखूं तो ये हो गया 8972 के, और 0.8y की है 15, 15 × 8 = 120, ये होगी 12 के, राइट। तो 12 × 7 = 19.2 और बटे 0.8 आई थिंक 24 × 8 = 192, तो 24 इसकी वैल्यू आपकी k में आ गई, 24 के, q इज इक्वल टू 24 के, और x कितना है 8 के, तो
तो ये क्या आ गया, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो के तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होनी है, तो 2408 का देख लो, वैसे तो तीन गुणा हो गया, तीन गुणे का मतलब 200% मोर हो गया, और निकालोगे तो भी 24K माइनस 8K अपॉन 8K और इंटू 100, के तो हो गया आपका कैंसिल, 24 में से 8 गया 16 और 8 दूनी 16, 200% 200% मोर, राइट। तो इसको कुल मिला के वो जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लगाने की बजाय वो जैसे जैसे कह रहा है आप उसको सोल्व करने की कोशिश करो, इक्वेशन फॉर्म करते जाओ, रिलेशन फॉर्म करते जाओ और अल्टीमेटली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आप भूल रहे तो। लेकिन इस तरह के लंबे क्वेश्चन करना तभी आप जब आपके पेपर का लेवल टफ आए, अदरवाइज जैसे आपने अगर ये DI भी छेड़ा है तो इसमें 5 में से 3 क्वेश्चन छोटे हैं, 2 क्वेश्चन लेंथी है, तो उन्हीं 3 को कीजिए आप, 5ों का टारगेट लेके मत चलिए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो अच्छा लगे उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।